सभी विद्यार्थियों का मैं भगवान सिंह हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम साल भर कठिन विषयों का अध्ययन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको निरंतर करवाते रहेंगे। मेरी पूरी टीम आपके साथ हैं, आप तैयारी करें, निश्चित तौर पर आप तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है और मैं चाहूँगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा विश्व जिस महामारी से जकड़ा हुआ है, उस महामारी का साधारण सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि इस महामारी की क्या इसका नेचर है, इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, हमारे समाज के अंदर हम किस प्रकार का मैसेज बीमारी के बारे में हम दे सकते हैं, जिससे कि हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारा देश और पूरा का पूरा विश्व को हम किस प्रकार बचा सकें। इस की बात करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस कई प्रकार के जो वायरस होते हैं, उन कई प्रकार के वायरसों में भी एक समूह के रूप में होता है, जो कि स्तनधारी और पक्षियों में रोग के कारक होते हैं। ये आरएनए वायरस होता है और इस वायरस के कारण आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जिस बीमारी से ग्रसित है। हम देखते हैं पूरे देश के देश बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मानव जाति पर संकट आ गया है। और इस जो कोरोना जो वायरस है, इस कोरोना वायरस से तात्पर्य को हम समझने का पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं। चीन का एक वुहान शहर से ये उत्पन्न होने वाला एक वायरस है। सन 2019 में इस वायरस का पता लगा, इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 या कोविड-19 के नाम से भी इसको पुकारते हैं या हम जानते हैं। इसका नाम लातिनी भाषा में कोरोना शब्द का अर्थ होता है मुकुट से, और मुकुट का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम इस का न्यूज़ चैनल या टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, तो जब भी कोरोना अपडेट हमारे जो समाचार जो पढ़ने वाले हमारे एंकर्स हैं वो हमको बताते हैं, और ये एक मुकुट के रूप में होता है। और मुकुट के रूप में जिस प्रकार बहुत सारे नुकीले से इससे निकले होते हैं, इसी प्रकार का इसका एक चिन्ह होता है। इसलिए सूक्ष्मदर्शी इसको ये नाम इसलिए दिया गया कि जब हमारे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिकों ने जब इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो एक मुकुट के रूप में हमको देखने को मिला, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा है। और चूँकि यह जो रोग है, ये एक्चुअल में जो ये वायरस है, ये जानवरों से आया है। ज़्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित वुहान जो शहर है, उन शहर में से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला पेशेंट भी वहाँ पर मिला है, और उन पहले पेशेंट से लेकर आज हम दुनिया में देखते हैं केवल अमेरिका में बहुत सारे लोग इससे संक्रमित है। इसी प्रकार हम देखते हैं इटली, स्पेन और हमारा भारत भी, निरंतर भारत में भी इसके रोगी बढ़ रहे हैं। तो मैंने इस टॉपिक में आपको इस नोवेल कोरोना वायरस 2019 के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हम हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम 100% फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तभी जब हमें इस रोग के बारे में जानकारी हमको हो। तो इस जानकारी को लेकर मैंने अपना ये एक छोटा सा सेशन आपके बीच में रखा है। तो नोवेल कोरोना वायरस 2019, ये वुहान कोरोना वायरस भी कहते हैं इसको क्योंकि वुहान शहर में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये एक श्वसन तंत्र विषाणु है और ये मानव से मानव में फैलता है, यानी हमें इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमें इसका संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी ये मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम ऐसे संक्रमित व्यक्ति का आपको पता लग जाए। पता लगने का भी अभी हम चर्चा करेंगे भाई, हम किस प्रकार उसका पता लगा सकते हैं। हम हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पुलिस
हमारे जो कोरोना वायरस कोरोना रोग की रोकथाम के लिए जो जो भी हमारे सदस्य लगे हुए हैं, उन सदस्यों को हम किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सारी बात की इस पर चर्चा करेंगे। यह आरंभ में चमगादड़ से मानव में फैला है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। फिर भी हम ये कह सकते हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि यह वायरस पेंगोलिन से मानव में फैला हो, लेकिन ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते पेंगोलिन, क्योंकि जब तक इसके पूरा रिसर्च नहीं होगा, जब तक हम इस बात को नहीं कह सकते। सन 2019-20 में कोरोना जो महामारी है, ये पूरे विश्व को जकड़ रखी है, और हमें इस महामारी से लड़ने के लिए हमें किस प्रकार तैयार रहना है। जिस प्रकार हमने अभी अभी नाम लिया चीन का एक शहर, वुहान शहर, उस शहर से निकला हुआ ये वायरस, चाहे चमगादड़ से हो, चाहे और कोई भी कारण हो, कोई और उससे हो, जब तक हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च पूरा नहीं देंगे, जब तक हम उसका कंफर्म नहीं कह सकते। एक नए किस्म के कोरोना वायरस, जिसको हम COVID-19 के नाम से पुकारते हैं, और इसके संक्रमण का पता लगाने के लिए FCR परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। FCR जो ये परीक्षण है, इसका प्रयोग हो रहा है, और यह जो रोग है, ये सार्स, जो कि पहले कई देशों में ये रोग आया, सार्स उससे भी घातक रोग है। तो दुनिया भर में इसके बहुत सारे हम टीवी न्यूज चैनल पे वर्तमान समय में देख रहे हैं। आप अमेरिका को देखें, दो दो तीन तीन चार चार हजार व्यक्ति मृत्यु हो रही है जिनकी। हम देखते हैं हमारे इटली, स्पेन और रूस में भी इसके संक्रमण बढ़ रहा है, यानी विश्व के लगभग 200 से ज्यादा देशों में इसका संक्रमण पहुंच चुका है। तो मेरा ये मानना है कि संक्रमण को रोकने में और हमारी क्या महत्ता होनी चाहिए, इसके बारे में इसका जो अगला चक्र है, कि जो COVID-19 का जीवन चक्र क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये जो COVID-19 का जो स्टेज होता है, जिसमें हम पहले स्टेज की बात करें, इसमें वही लोग कोरोना संक्रमित होते हैं जिन्होंने संक्रमण वाले देशों की यात्रा की। आपने देखा, आज हम देखते हैं, आज हम हमारे गांव में सेफ हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर कोई भी इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति नहीं है, और हमने हमारे जो सार्वजनिक रास्ते हैं जिसमें गांव में प्रवेश करते हैं, अन्य लोगों को हमने प्रवेश से भी दूर रख रखा है। हमने इसलिए दूर रख रखा है कि कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति दूसरी जगह से हमारे संपर्क में नहीं आ जाए, इसलिए हमने हमारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और ये स्टेज जो कहलाती है, ये पहली स्टेज कहलाती है, यानी कोरोना संक्रमित जो कोई व्यक्ति होता है, और जिसने दूसरे देश में यात्रा की हो और यात्रा करके अपने देश में लौटा हो और वो इन्फेक्शन लाया हो, वो संक्रमण होता है, फर्स्ट स्टेज। इसी तरह स्टेज सेकंड होती है, इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति से उसके परिजन संपर्क में आ जाते हैं, परिजन आ जाए, उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग संक्रमित हो जाए, तो यह स्टेज कहलाती है दूसरी स्टेज। चूंकि हमारा देश अभी दूसरे स्टेज में वर्तमान में चल रहा है, स्टेज थर्ड आती है जब संक्रमित व्यक्ति जब कहीं बाहर घूमने जाता है तो कई लोगों के संपर्क में आता है। जैसे आज आप और हम भी अगर कहीं गए बाहर, जैसे हम बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने पर हम देखते हैं कि हम जैसे कोई परचूनी की दुकान पे गए, या सब्जी के ठेले पे गए, या हम कोई मेडिकल शॉप पे गए, तो हम देखते हैं कि वहां पर जितने लोग हमको मिलते हैं, उन सबको हम इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगर कोई रोगी अगर उन दुकानों पे जाता है, तो ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज दूसरी कंडीशन की होती है, वो सॉरी तीसरी स्टेज होती है। और जब इसका अब स्टेज तीसरी स्टेज में क्या होता है कि उस व्यक्ति को स्वयं को भी पता नहीं होता कि मैं इस बीमारी से संक्रमित हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको कोई भी उनके जो इस COVID-19 का जो एक वो आना चाहिए नज़र, जिसको हम बोलते हैं कि उसके सिम्टम्स, वो कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, बिना सिम्टम्स भी इसके हमको देखने को मिल रहे हैं मरीज। तो ये तीसरी स्टेज होती है, और स्टेज फोर्थ होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है। इस स्टेज में महामारी का रूप ले लेता है, और यह कब खत्म होगा इसका किसी को पता नहीं चलता है। अभी हमारा देश दूसरे स्टेट में है, हमारे देश के जितने भी नागरिकों ने इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रखा है, और मेरा ये मानना है कि
हम लोग इसके रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करें, उन प्रयासों के अंदर इसको बचाव के क्या क्या उपाय है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारे पूरे विश्व में स्वास्थ्य विभाग को देखने वाली एक संस्था है, उसने बचाव के उपचार समय समय पर आपके न्यूज चैनल, हमारी सरकार को सीधे सीधे जनता के साथ, जो सोशल मीडिया के साथ बात करके हम सबको बताया है, जिसके अंदर जिस भी व्यक्ति को पहला इसका जो मुख्य इसका जो बचाव है वो यही है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसको जो खांसना चाह रहा है तो उस खांसना हम रोक तो सकते नहीं, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया तो है नहीं कि हमने जब चाह जब खांस लिया जब चाह जब नहीं खांसा, ये एक अनैच्छिक क्रिया है जो हम बायोलॉजी में अच्छे से हम सारे दसवीं के विद्यार्थी हम सब चीज़ उसको समझते हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को हम नहीं रोक पाते। तो जब भी हम खांसे या छींके तो उस समय हमें रुमाल का प्रयोग जरूर करना है, चूँकि जब हम खांसते हैं तो हमारे खांसने के साथ हमारे मुंह के जो वायु कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और उसका असर ये होता है कि वो वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। दूसरा है जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखें, जंगली जानवरों से, क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये कहाँ से रोग आया है, किस तरीके से है, क्योंकि इसका रिसर्च अभी चल रहा है। तीसरा है हम साफ सफाई बरतें। अब साफ सफाई से तात्पर्य इतना है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वो तो उसको तो स्वच्छ हम करते ही करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में भी स्वच्छता को प्रथम स्थान पर रखा गया है, और हम हमारे घर हमारे आसपास में बिल्कुल रोजाना स्वच्छ रखें, वहाँ पर हम छिड़काव करें, सैनिटाइजर करें, जिससे कि आसपास के जो रोग जनित विषाणु हैं वो क्या है समाप्त हो जाए। इसके बाद हम हमारे हाथों को नियमित तौर पर साबुन से धोएं, अच्छे से धोएं और हमारे हाथ को यहाँ तक धोएं ऊपर तक, और 20 सेकंड तक इसको हम मलते रहें, उसके बाद में पानी से धोएं। धोने के बाद में अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके सैनिटाइजर नहीं है वो साबुन से भी हाथ धोएंगे तो भी वो जो कोविड का जो विषाणु है वो सीधा आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम हमारे गमछे को या मास्क को हम पहन के जब बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग पूरे बचाव के साथ जाते हैं, कई बार बीच में जब आँख में हमको थोड़ा सा खुजली सी होने लगती है तो हम क्या करते हैं तो सीधा वो हाथ को आँख में लगा देते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि भाई सांस लेने में थोड़ी समस्या हो रही है तो हमने जो मास्क जो हमने बांध रखा है उसको हटाकर और आप हाथ से इस प्रकार आपकी जो नाक है उसको छू लेते हो, कई बार आप मुंह को भी छू लेते हो, तो मेरा मानना है कि उस मास्क पहनना और नहीं पहनना के बराबर होगी वो बात। तो घर से निकलते समय पहली बात तो घर से निकलना ही नहीं है, और निकलना है वो जरूरी आपको सामान लेना है तो उस मास्क को जिस प्रकार आप बांध के गए हो उसी प्रकार बंधा हुआ घर तक आना चाहिए, और घर तक आने के बाद में आप हाथ धोएं, अपने पैर धोएं, उसके बाद उस मास्क को भी खोल के एक तरफ रख दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें, या मास्क नहीं है हमारा तौलिया तो उसको स्वाभाविक है कि आप उसको एक सर्फ में डाल के उसको धो के धूप में सुखा दें, उसके बाद ही आपकी आँख नाक और मुँह में आपके हाथ जाने चाहिए। तो इस प्रकार की आपको सुरक्षा रखनी है, और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमको जाना नहीं है। आप अगर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाओगे तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर आपके उसमें आएगा सानिध्य में तो वो आपको संक्रमित कर देगा। तो हमने छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे गौर किए हैं इस पर, और हमारे जो COVID-19 के इस रोग से हमारा पूरा देश ही क्या पूरा विश्व इससे बिल्कुल बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। हम इसमें किस प्रकार सहायता करें, हमारे डॉक्टर्स होगी, हमारी जो हमारे पुलिस विभाग के कार्मिकों की, हमारे जो और भी जो सरकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, हम इसको किस प्रकार उनकी हेल्प करें, और
जब भी वो हमारे घर के बाहर होकर निकले तो हम उसके ऊपर फूल अपने बालकनी से ही उनको पट डालें। ऐसा नहीं है कोई नारेबाजी करने लग जाए, क्योंकि हमको हमारे घर की जो दहली है उससे नीचे नहीं उतरना। कोई चाहता भी हमारे घर का सदस्य जरूरी सामान लेने के लिए तो उसको प्रवेश जब भी दें जब वो कि सैनिटाइज हो जाए। सैनिटाइज का अर्थ है उसके पैर धुलाओ, हाथ धुलाओ साबुन से। सैनिटाइजर है तो उसको आप हाथ से सैनिटाइज करवाएं, जिसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको घर में अलाउ नहीं करें जब तक कि वो नहीं हो। क्योंकि अगर आप इस तरीके से थोड़ी सी भी अगर आपने असावधानी रख दी तो हम हमारे घर वालों को, घर वाले इन्फेक्टेड होंगे तो फिर हम हमारे पूरे मोहल्ले वालों को इस रोग से रोगी बना देंगे। तो मेरा मानना है चाहे हमारे राजस्थान की सरकार कुछ कहे, चाहे हमारे भारत की सरकार कुछ कहे, जो भी सरकारें हमको आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है, कोई भी बात आकर हमारे मुख्यमंत्री जी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के एमएलए एमपी, हमारे क्षेत्र के डॉक्टर्स, हमारे क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी, हमारे भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, WHO के जो चीफ हैं वो भी समय समय पर हमको निर्देश दे रहे हैं। उन निर्देशों की हमको 100% पालना करनी है। आपका आपकी इतनी सी ड्यूटी है, आप आपके घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारी पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज से मिलकर ही हमारा गांव बनता है, और गांव से मिलकर ही हमारी तहसील बनती है, तहसील से जिले, जिले से राज्य, राज्य से देश, और देश से पूरा विश्व। तो मैंने आज का ये जो पहला आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश की है, इस पर आप अच्छे से गौर करें, और गौर करने के बाद आप हमारे आज आप हमारे जो आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनको भी इसके बारे में मोटिवेशन दें। वर्तमान में देखने को आ रहा है कि कई लोग जो जो इस प्रकार के जो डार्क जोन बने हुए हैं, जहाँ पर कोविड के जो पेशेंट ज़्यादा निकल रहे हैं, वहाँ से लोग निकल कर गाँव की ओर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप हमारे प्रशासन को अवगत कराएं कौन कौन आया है, जिससे कि उनकी जांच हो सके, और उनकी जांच हो सके, और जांच के बाद में अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको वापस तो में उसको घर पे भेज दिया जाएगा, नहीं है तो उसको क्वारंटाइन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। एक मिनट, हम थोड़ी सी इस COVID-19 से बचाव के लिए हमारी सरकार ने कुछ नए शब्द हमको देखने को मिल रहे हैं। पहले हम बिल्कुल इन शब्दों के बारे में नहीं समझते थे कि ये शब्द क्या क्या हैं, इसका लोगों ने गलत अवधारणाएं भी बना ली। इसमें सबसे पहला शब्द आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन से तात्पर्य है कि आमतौर पर तब क्वारंटाइन किया जाता है किसी व्यक्ति को जब आप वायरस के सिर्फ संपर्क में आए हो, लेकिन आप में बीमारी के कोई लक्षण नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री रही है कि आप जयपुर गए या कहीं भी हॉट स्पॉट जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर गए हैं, आप वहाँ से आए हो लौट के, लेकिन आपको बीमारी के लक्षण तो नहीं है, फिर भी आपको क्वारंटाइन रखा गया है, आपके घर में भी रख सकते हैं, और उसकी सीमा लगभग 14 दिन की होती है। दूसरा शब्द आता है आइसोलेट। आइसोलेट को हिंदी में बोलते हैं अलग रखना। अलग रखने से तात्पर्य है इसको जब किया जाता है जब आप संक्रमित हो जाए, कोई भी व्यक्ति जब COVID-19 से संक्रमित हो जाता है तो उसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है उसको अलग रखने से तात्पर्य, क्योंकि वह किसी दूसरे व्यक्ति से संक्रमण नहीं करे। और तीसरा शब्द है सामाजिक दूरी, जिसको हम सोशल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हमारे देश के अंदर हम छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में हम सभी का सहयोग करते हैं, और ऐसी हमारे देश में परंपरा रही भी है, लेकिन वर्तमान समय में इस बीमारी की भयावहता को मद्देनजर रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंस का पालना करनी है। सोशल डिस्टेंस से तात्पर्य है कि हम जब भी बाहर निकलें तो कम से कम
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में, जो सरकार की जो गाइडलाइन, सरकार ने जिस दूरी को बताया है उस दूरी पर ही खड़े हों, दूसरे व्यक्ति से हाथ नहीं मिले, किसी के घर नहीं जाएं, अपने घर पर ही रहें। ये सोशल डिस्टेंस का होता है। ये जो मैंने आपको तीन शब्दावलियाँ बताई है, ये सोशल डिस्टेंस, आइसोलेट और क्वारंटाइन, इन तीनों को आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे